हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। तो बोर्ड एग्ज़ाम में एक के बाद बैक टू बैक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। तो अभी की न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये लिया है कि 10वीं के कक्षा के छात्रों को आगे बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि जनरल प्रमोशन दे दिया जाएगा। तो अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और 10वीं के छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आप पास हो जाएंगे बिना एग्ज़ाम दिए। लेकिन 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 अगर आप 12वीं के छात्र हैं तो आपके लिए ये थोड़ी दुख की बात है। कैसे, किस तरह से, मैं आपको डिटेल बताऊंगा और शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन इससे पहले, चैनल पर नए हैं तो क्या करना, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कुछ भी करो, लेकिन मुझे सब्सक्राइब और लाइक चाहिए अगर वीडियो अच्छी लगे तभी, अदरवाइज बाकी आपकी इच्छा है, कुछ भी करो यार, ठीक है। तो यार, मध्य प्रदेश बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि अगर आप 10वीं में पढ़ रहे हैं तो आपको जनरल प्रमोशन दे के आगे वाली कक्षा में बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 11वीं कक्षा में। लेकिन अगर आप 12वीं के छात्र हैं तो आपकी परीक्षा 8 जून से लेकर 16 जून के बीच में होगी। तो आप अगर MP के स्टूडेंट हैं तो ध्यान दीजिए, आपकी परीक्षा 8 जून से लेकर 16 जून के बीच में होगी। यह है ऑफिशियल ट्वीट शिवराज सिंह चौहान का। ANI ने ये ट्वीट किया है कि गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड नॉट टू कंडक्ट द रिमेनिंग एग्जाम्स ऑफ क्लास 10th ऑफ MP बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मेरिट लिस्ट ऑफ क्लास 10 विल बी अनाउंस बेस्ड ऑन द एग्जाम्स हेल्ड। ठीक है, जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनको प्लस जो आपके सब्जेक्ट बचे होंगे उनके इंटरनल असाइनमेंट और मार्क्स के आधार पर मेरिट डिसाइड की जाएगी। बट द पेंडिंग एग्जाम्स ऑफ क्लास 12th विल बी हेल्ड बिटवीन June 8 टू June 16, CM शिवराज सिंह चौहान। तो इन्हीं, ये इनका ऑफिशियल ट्वीट ANI ने किया है कि अगर आप 12th के 10th के एग्ज़ाम नहीं होंगे और जो उनकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी वो जो एग्ज़ाम हो गए हैं प्लस इंटरनल असाइनमेंट के आधार पर निकाली जाएगी, लेकिन 12th के एग्ज़ाम 8 से लेकर 16 जून के बीच में होंगे। ठीक, एक ये न्यूज़ है। और दूसरी बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों को छात्रों से केवल जो फीस वसूली जा रही है पूरी वसूली नहीं जाएगी। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, यानी कि 19 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ है, 24 से ऑफिशियल हो गया था, लेकिन 19 मार्च से लेकर जब तक लॉकडाउन होगा तभी तक ये फीस वसूल सकते हैं। इसके लिए भी उन्होंने एक ट्वीट किया है कि प्राइवेट स्कूल्स आर अलाउड टू चार्ज ओनली ट्यूशन फीस फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द पीरियड बिटवीन 19 मार्च एंड डेट व्हेन लॉकडाउन एंड्स। ये ऑफिशियल ट्वीट है MP चीफ मिनिस्टर का। तो यार, ये दो बड़ी न्यूज हैं। सबसे बड़ी न्यूज कि अगर आप 10th के हैं तो आपको पास कर दिया गया है, लेकिन आप 12th के हैं तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो यार, कैसा लगा वीडियो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, लेकिन कुछ भी करो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और हाँ, बगल वाली घंटी बजा के जाना, टंटना के जाना, तभी तो अगली न्यूज आएगी यार। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।